फिल्म की शुरुआत वेनेसा और उसकी छोटी बहन क्रिस्टी से होती है, जो अपने गुजरे पेरेंट्स को ऑनर करने के लिए उनके ग्रेवयार्ड विजिट करते हैं। अपने माता पिता को बचपन में ही खोने के बाद दोनों ही एक दूसरे का सहारा होते हैं, इसलिए दोनों भी एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। इसी दौरान वेनेसा अपने पुरखों की एक नेकलेस क्रिस्टी को भेंट करती है, जो उसे कभी उनके माँ ने दिया था, जिसे चेरिश करने के बाद अब दोनों अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। पर बीच सफर में ही दोनों के साथ एक भयंकर घटना घटती है, क्योंकि क्रिस्टी रास्ते पर अड़चन आने के कारण वो अपने कार का संतुलन खो बैठती है और कार के टकराते ही वो बाहर उछाल दी जाती है। वहीं उसकी बड़ी बहन कार में अटक जाती है और देखते ही देखते आग कार के साथ वेनेसा को निगल लेती है। पर भाग्य से वेनेसा बच जाती है, पर उसकी चोट सीवियर होने के कारण वो एक तरह से ट्रॉमा में चली जाती है, जिसके बाद से उसके पति जॉन पर्सनली उसका देखभाल करने लगते हैं। वहीं उस सदमे के बाद क्रिस्टी को साइकियाट्रिक केयर सेंटर भेज दिया जाता है और कुछ समय बाद उसे खबर मिलती है कि उसकी बहन हार्ट अटैक के कारण अब नहीं रही। पर अपनी बहन के फ्यूनरल सेरेमनी के दौरान उसे अपनी बहन के कॉफिन से कोई तो क्रॉलिंग की आवाज सुनाई पड़ती है और उसी मोमेंट उसे कुछ हॉरिबल फ्लैशेस नजर आते हैं। मानो वेनेसा अब भी जिंदा है और वो कॉफिन से निकलने की कोशिश कर रही है, पर इतने बड़े सदमे से गुजरने के कारण कोई भी उसके बात पर यकीन नहीं करता और उसे कैलिफोर्निया फिर से प्री मेड के लिए भेज दिया जाता है। पर चाहे कितना ही समय क्यों ना गुजर जाए, 6 साल बाद भी उसे अब भी वो नाइटमेयर विजन्स हॉन्ट करते हैं, जिसे वो एक एक करके अपने जर्नल में चित्रित करने लगती है। पर सबसे बड़ी हैरानी वाली बात ये कि उसमें से कुछ तो सच निकलते हैं, जैसे वो फ्लावर। और वहीं उसे पता चलता है कि उसकी बहन का केयरटेकर जोसेफ अब नहीं रहे जैसा उसने अपने विजन्स में देखा था, जिससे अब उसे लगने लगता है कि शायद उसके विजन्स प्रेमोनिशंस है, जो अलौकिक शक्ति शायद उसे उस सदमे के बाद से मिली। वेनेसा के केयरटेकर जोसेफ भी उसके काफी करीब थे, इसलिए इतने सालों के बाद वो अपने होम टाउन उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए विजिट करती है, जहां उसकी मुलाकात वेनेसा के हस्बैंड और वेनेसा के मदर इन लॉ से होती है, जो उसे देखकर अनजान कारण से काफी कोल्ड रिएक्शन देती है, मानो वो उसे पसंद नहीं करती। वहीं एमी क्रिस्टी से अपना एक अजीब ही अनुभव शेयर करती है कि उसे काफी दिन से अपने घर के दीवारों के पीछे डार्क थिंग्स नजर आ रहे हैं, जो उसकी रूम के दीवारों के पीछे बसता है और उसे हमेशा उसकी रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। उसका ये तक मानना है कि डार्क थिंग्स ने ही जोसेफ की जान ली, पर उसके बातों पर उसके पिता तक यकीन नहीं करते। जॉन को लगता है कि ये उसकी गैरफहमी है, क्योंकि वो भी अपनी माँ को खोने के बाद से सदमे से अभी तक उभरी नहीं। पर डिनर के दौरान क्रिस्टी को एक और सदमा आने के बाद जब वो फ्रेश होने के लिए रेस्टरूम जाती है तो एमी की ग्रैंडमा अजीब ही तरह से बर्ताव करती है और उन्हें फॉलो करते हुए जब वो उनके डरावने घर में भटक जाती है तो वो अचानक में प्रकट होकर उन्हें डरा देती है और उनके चेहरे पर साफ नजर आता है कि वो उन्हें पसंद नहीं करती। जाने से पहले एमी को गुड बाय करने पड़ती है, जिसके नजदीक बढ़ते ही एक कैमरा अचानक में फ्लैश करता है और बाद में उसे समझ आता है कि एमी ने अपने रूम में एक कैमरा लगा रखा है जो हर कुछ सेकंड्स में पिक्चर लेता है, क्योंकि उसे भरोसा है कि उसके रूम की दीवारों के पीछे डार्क थिंग छिपा है और कुछ फोटोज की मदद से वो क्रिस्टी को भी यकीन दिलाने में सफल हो जाती है। पर क्रिस्टी के क्लोजेट चेक करने पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। पर सफर के दौरान जब वो अपना जर्नल ऑब्जर्व करती है तो वो नोट करती है कि उनमें से कुछ विजन्स आज सच साबित हुए। अब रात बिताने के लिए वो अपने दोस्त डेबी के घर पनाह लेती है, जहां एकांत बैठते दौरान उसे फिर से कुछ और नए विजन्स नजर आते हैं। इतना कम नहीं कि फ्रेश होते दौरान उसके साथ अजीब ही अनुभव होता है, देखते ही देखते उसका रूप बदल जाता है और अचानक में ही उसे अपने दोस्त के घर पे एमी की ग्रैंडमा रूम में जाते नजर आती है, जिसे फॉलो करने पर वो अचानक में अजीब ही तरह से बर्ताव करने लगती है। वहीं उसे छूते ही वो किसी और औरत में बदल जाती है और देखते ही देखते वो दीवार को टकराते ही वहीं ढेर हो जाती है। क्रिस्टी को समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ चल क्या रहा है। इतना कम नहीं कि अचानक में किसी का उस पर पर्दा डालने पर अब उसे तुरंत होश आ जाता है और वो खुद को बाहर छटपटाते पाती है। उसके दोस्त डेबी के उसे रेस्क्यू करने के बाद वो अपने विजन्स के बारे में उससे थोड़ा शेयर करती है कि वेनेसा और वो बहुत क्लोज थे, एक तरह से कनेक्टेड। पर उस क्रैश के बाद से उसे अपनी बहन की चीखती चिल्लाती आवाज सुनाई देने लगी और अगले 6 महीने तक जब तक उसका इलाज चला उसे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे वो अपनी बहन से मस्तिष्क के थ्रू कनेक्टेड है और वो जो भी दर्द और सदमे से गुजरती थी उसे भी उसका दर्द महसूस होता था। इनफैक्ट उसे कभी कभी ऐसे भी विजन्स आते हैं जहां उसकी बहन को कोई कैद कर रहा हो और आज भी उसे ऐसा लगता है कि उसकी बहन कहीं जिंदा है और वो छटपटा रही है कैद से आजाद होने के लिए। अगले दिन से उसे नए विजन्स नजर आने लगते हैं और उसे एक और शॉकिंग जानकारी मिलती है कि एमी की ग्रैंड मदर मिसेस लॉक की बाथरूम में स्लिप होकर चल बसी, जिससे अब क्रिस्टी को समझ आता है कि उसका कल का विजन एक और प्रेमोनिशन था। उसे अब शक होने लगता है कि शायद उसकी बहन को जिंदा ही दफना दिया गया, इसलिए वो तुरंत सच्चाई का पता लगाने के लिए वेनेसा के डॉक्टर से मिलती है, जहां से वेनेसा
चिकित्सा के मेडिकल रिपोर्ट को चोरी से पढ़ने के बाद वो बींग अ मेडिकल स्टूडेंट उसे पता चलता है कि उसकी बहन को ऐसा ड्रग प्रिस्क्राइब किया गया था जिसे गलत एडमिनिस्टर करने पर पेशेंट को कोमा का अटैक भी आ सकता है। वो ये भी नोट करती कि वेनेसा की रिहैब नर्स क्लेरा वेल्स थी जो अब किसी कारण से हॉस्पिटल में काम नहीं करती। वहीं एमी को लगता है कि ग्रैंडमा को भी द डार्क थीन ने ही मार दिया जो कई रातें उसकी नींद में उसे सराकर चली जाती है। पर एमी जानकारी शेयर कर ही रही होती कि वो अचानक में ही गायब हो जाती है। क्रिस्टी दूर दूर तक एमी की खोज करती है पर वो कहीं ना मिलने पर घर लौटकर उसे खोजने लगती है और वो अंत में उसे किसी कारण से चिमनी की तरफ घूरते हुए नजर आती है जो अचानक में उस पर वार करने के बाद वहीं बेहोश हो जाती है। इससे पहले कि क्रिस्टी उसे हॉस्पिटल ले जाने की भी सोचे अचानक में ही फिर से कोई ब्लैंकेट में उसे दबोच लेता है और आंखें खुलने के बाद वो खुद को उसी चिमनी के सामने पाती है जिसे गौर से देखने के बाद उसे उसके पीछे एक चेम्बर नजर आता है। वो हिम्मत करके उस डरावने चेम्बर में प्रवेश कर जाती है जहां उसे वही रूम नजर आता है जो उसे विजन्स में नजर आया करते थे। वहीं जल्दी वो एमी को खोज निकालती है और उसी दौरान उसे किसी का आहट भी महसूस होता है पर उसके पास इसके लिए टाइम नहीं है इसलिए वो तुरंत एमी को हॉस्पिटल ले जाती है। जॉन बताता है कि चिमनी के पीछे वो पैसेज दरअसल एक इमरजेंसी एस्केप है जो उनके पूर्वजों ने कई साल पहले बनाया था और वो रूम भी वेनेसा का रिहैबिलिटेशन रूम था जिसे उसके चल बसने के बाद उसने सील कर दिया था। वहीं क्रिस्टी बिलीव करती है कि एमी जरूर किसी के खोज में उस चेंबर में गई थी पर जॉन उसके बातों पर विश्वास नहीं कर पाता और उसे भी उसकी तरह मूव ऑन करने का सलाह देता है पर क्लेरा पीछे हटने से रही। वो फिर से चोरी से वेनेसा के बैरियल रिकॉर्ड में ताक झांक करती है और उसे पता चलता है कि जॉन उसके परिवार ने वेनेसा को श्रद्धांजलि देने से पहले उसे स्पेशल मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जिसके मदद से लाश ज्यादा दिन तक प्रिजर्व रहती है। वो तुरंत अपनी सिस्टर का ग्रेवयार्ड विजिट करती है जहां उसे एक और डरावना विजन नजर आता है। उसी दौरान उसे एक लोकल शेरिफ से पता चलता है कि क्लेरा के पिता नजदीक ही रहते हैं जिनके घर विजिट करने के बाद उसे क्लेरा के कई पिक्चर नजर आते हैं और वो तुरंत पहचान जाती है कि ये भी उसे अपने विजन्स में कई बार दिखाई दी थी। उसके डैड से मिलने पर वो बताते कि उनकी कई दिनों से अपने बेटी से बात नहीं हुई है और वो किसी कारण से उनसे कॉन्टेक्ट भी करने की कोशिश नहीं कर रही। उन्हें शक है कि जॉन की फैमिली ने जरूर उसके साथ कुछ कर दिया है। क्रिस्टी अब तुरंत अपना इन्वेस्टिगेशन जॉन से शेयर करती है। उसे यकीन होने लगता है कि जरूर वेनेसा के नर्स वेनेसा को ओवरडोज देकर मारने की कोशिश की और वहीं जो भी लोग वेनेसा के करीब थे या तो वो मारे गए या तो वो खतरे में है। वो जॉन को समझाने की कोशिश करती है कि अब तक जो भी विजन्स उसे नजर आए वो सब सच साबित हुए हैं पर क्योंकि क्रिस्टी को सबके सामने एक बड़ा सदमा आया था उसे उसके बातों पर यकीन करने पर मुश्किल होता है इसलिए वो उसके भले के लिए शहर लौट जाने का सलाह देता है। पर उसी दौरान उसे एक बॉक्स भी नोटिस होता है जिसे भी उसने अपने विजन्स में देखा था। वहीं फाइनली क्रिस्टी एक बड़ा खोज करती है क्योंकि जब वो बीमार एमी के साथ समय बिता रही होती है अचानक में ही वो क्लोजेट अपने आप ओपन हो जाता है जिसे ओपन करने के बाद उसे ऊपर एक और हिडन पैसेज और उसमें कोई डरावना साया नजर आता है जिसे फॉलो करते हुए वो वेंट तक जा पहुंचती है और बेवकूफ जब उस वेंट में हाथ डालकर टटोलने की कोशिश करती है उसको डरावना उसका हाथ जोरों से खींच लेता है और अब उसे उसी वेंट से किसी की रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। पर इससे पहले कि वो पता करे कि आखिर वो आवाज किसकी है अचानक में ही जॉन और क्लेरा उस पर ब्लैंकेट डालकर उसे किसी रूम में ढकल देते हैं पर उसकी आंखें खुलने के बाद उसे समझ आता है कि ये बस उसका एक सदमा था। पर उसके तुरंत बाद वो जॉन को अनकॉन्शियस पाती है और होश में आने पर जॉन बताता है कि किसी ने उस पर अचानक में वार किया पर क्रिस्टी का ही वहां होना और उसे एक और सदमा आने का पता चलने पर उसे लगता है कि सदमे में क्रिस्टी ने ही उस पर वार किया इसलिए वो अपने और एमी के भलाई के खातिर उसे घर से बाहर कर देता है। पर अब रात हो चुकी होती है वहीं क्रिस्टी उस बोट हाउस पर उसी बॉक्स को चेक करने का तय करती है जिसे खोलने के बाद उसे एक हिडन सेक्शन में एक लव लेटर मिलता है और इससे एक बड़ा क्लाइमेक्स रिवील होता है कि जॉन और क्लेरा के बीच अफेयर था। पर इससे पहले कि वो कुछ समझे एमी भी वहाँ चाकू के साथ मौजूद होती है जो क्लेम करती है कि वो क्लेरा को फॉलो करते हुए यहाँ आई और देखते ही देखते वो खुद बेहोश भी हो जाती है। पर क्रिस्टी के लिए परेशानी तो अभी शुरू होनी थी क्योंकि जॉन ऑफिसर को कॉल करके उसी पर इल्जाम लगा देता है कि उसने उसकी और एमी की जान लेने की कोशिश की इसलिए शेरिफ उसे शक के बेसिस पर पुलिस स्टेशन ले चलते हैं। पर अंत में क्रिस्टी लोकल शेरिफ को उस लेटर की मदद से कन्विंस करने में सफल हो जाते हैं कि वो बेगुनाह है और जॉन शायद उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे उसके क्लेरा के बीच अफेयर के बारे में पता चल गया। उसे अब यकीन होने लगता है कि क्लेरा अब भी उस घर में कहीं मौजूद है और उन दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते के बीच वेनेसा को रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने उसकी बहन वेनेसा को उसी ड्रग से ओवरडोज करके उसकी जान ले ली। पर उसके विजन्स के अनुसार उसे यकीन है कि उसे दफनाने से पहले वो जिंदा थी पर बेस्ड ऑन उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफिशियल्स उसके बातों पर यकीन नहीं करते। वहीं उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिलने पर वो उसे अभी
के लिए छोड़ देते हैं, पर क्रिस्टी इतने आसानी से हार मानने से रही, इसलिए वो रात के समय में ग्रेवयार्ड पहुंचकर अपनी थ्योरी को कंफर्म करने के लिए वो वेनेसा के कफिन को तोड़कर चेक करने का तय करती है। पर कफिन को खोलने के बाद जब उसे वेनेसा की लाश मिलती है, तब उसे कफिन पर कोई भी स्क्रैच मार्क्स नजर नहीं आते, जिससे उसे खुद पर शर्मिंदगी होने लगती है कि उसने जॉन पर बेवजह शक किया कि उसने उसकी बहन की जान लेने की कोशिश की। इसलिए शहर लौटने से पहले वो जॉन से मिलकर उससे माफी मांगती है, पर उसके कफिन चेक करते दौरान एक लोकल शेरिफ ने उसे देख लिया था, जो उसे तुरंत कॉल करके एक जरूरी जानकारी बताता है कि उसमें लाश उसकी बहन की नहीं बल्कि क्लेरा की है। यानी कि उसने अब तक जो भी जॉन के बारे में सोचा था वो सब कुछ बिल्कुल सच है, जिसका जॉन को भी खबर लग जाता है कि क्रिस्टी को अब सब कुछ पता चल गया है और अब वो उसकी भी जान लेने पड़ता है। क्रिस्टी के पास अब भागने का कोई चारा नहीं, इसलिए वो उसी सीक्रेट चेंबर में उससे बचने के लिए घुस जाती है, पर आगे दोनों के झड़प के बीच अंत में जॉन मारा जाता है। पर उसी दौरान क्रिस्टी को फिर से वही रोने की आवाज उसी वेनेसा के रिहैबिलिटेशन रूम से सुनाई देती है, और वो जब उसे एग्जामिन करने के लिए नजदीक पहुंचती है तो उसे एक और सीक्रेट बेसमेंट मिलता है, जिसकी काली दुनिया में वही डार्क थिंग उसे नजर आता है। और जब वो बेवकूफ उसे नजदीक से एग्जामिन करने बढ़ती है तो उसमें अचानक में जान आ जाती है, और अब वो उसके हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है। पर जैसे ही क्रिस्टी उस बेसमेंट से बाहर निकलकर उस डोर को शट करती है, उसे वही विजन्स नजर आते हैं, जिससे अब एक और चीज रिवील होता है कि जो विजन्स उसे नजर आए थे उसके परिवार ने भी उसी डार्क थिंग के अगेंस्ट वो दरवाजा शट किया था, और उसे स्क्रैचिंग वाला भी वो विजन्स उसी डार्क थिंग का था। क्रिस्टी अपनी जान बचाकर भाग पड़ती है, पर द डार्क थिंग क्रॉल करते हुए उसका पीछा नहीं छोड़ती। भागते भागते वो एक और सीक्रेट पैसेज खोज निकालती है, जो सीधे उसी बोट हाउस जाके खुलता है। पर इससे पहले कि क्रिस्टी बच निकले, वो अंत में द डार्क थिंग के हाथ लग जाती है और वो उसे पानी में खींच लेता है। पर जैसे ही डार्क थिंग की नजर उसके नेकलेस पर पड़ती है तो अब मूवी का फाइनल क्लाइमेक्स रिवील होता है। दरअसल वो और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन वेनेसा ही है, जो इतने टॉर्चर और सदमे से गुजरने के बाद अपनी बहन को नेकलेस के बिना पहचान न सकी। और वहीं जब वेनेसा क्रिस्टी को छूती है, तब मूवी का फाइनल क्लाइमेक्स भी रिवील हो जाता है कि दरअसल क्रिस्टी का थियरी सही निकलता है कि वेनेसा और क्रिस्टी किसी तरह सुपर नेचुरली सलमान खान के जुड़वा मूवी की तरह कनेक्टेड है। इसका मतलब कि जब भी वेनेसा को कुछ दर्द महसूस होता था तो क्रिस्टी को भी उसी पल उतना ही दर्द होता था। वहीं जब भी वेनेसा कोई भी एबनॉर्मल चीज देखती तो उसी तरह क्रिस्टी भी खो जाया करती थी। और एक और मिस्ट्री रिवील होता है कि वेनेसा ने ही बदले की आग में क्लेरा की जान ली, और उस अटैक का डुप्लीकेट रिएक्शन क्रिस्टी पर भी हुआ था। वहीं क्रिस्टी का विजन में फ्लावर्स नजर आना, वो दरअसल बेसमेंट में जॉन का रखा ही फ्लावर्स का था, और उस दौरान भी उसे जो मिसिस लॉकी की विजन्स आए थे वो भी इस खातिर क्योंकि वेनेसा ने मिसिस लॉकी पर उसी दौरान अटैक किया था, जिसका डुप्लीकेट रिएक्शन क्रिस्टी को नजर आया था। और एमी का भी उस दौरान क्रिस्टी पर अटैक, दरअसल इन रियल में एमी वेनेसा पर अटैक कर रही थी उसे डार्क टीचर समझकर। और जब भी क्रिस्टी को ऐसा महसूस होता था कि कोई उसे दबोच रहा है, दरअसल वो हर घटना डुप्लीकेट रिएक्शन था जब भी जॉन वेनेसा को दबोचता था। अब जब फाइनली दोनों बहन का मिलन हो गया, क्रिस्टी तय करती कि वो हर हालत में उसका ख्याल रखेगी, पर शायद उनकी किस्मत में ये नहीं लिखा है, क्योंकि एमी उसे डार्क टीचर समझकर, जिसने उसके परिवार के कई मेंबर्स की जान ले ली, अनजाने में अपनी ही माँ की जान निकाल लेती है, और वो बेचारी अपना दम तोड़ते हुए पानी के सतह में समा जाती है। क्रिस्टी जानती है कि एमी ने ये अनजाने में किया, इसलिए वो कभी उसे रिवील नहीं करती कि दरअसल उसने अपनी ही माँ की जान ले ली, वरना उसका भी भविष्य उनकी तरह सदमे से गुजरेगा। अब पुलिस को भी जॉन और क्लेरा की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है, और क्रिस्टी फाइनली अपने बहन को सही तरीके से बैरियल सेरेमनी देने में सफल हो जाती है। पर जब एमी मोमेंट रिकॉर्ड करने के इरादे से बोट हाउस के इर्द गिर्द का पिक्चर लेती है, तब मूवी के अंत में हमें वेनेसा का स्पिरिट इन द ओरिजिनल फॉर्म नजर आता है, और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आप चलते हैं छोटे मोटे अनसॉल्व पजल के तरफ। वेनेसा ने ही मिसिस लॉकी और जोसेफ की जान ली, क्योंकि वो दोनों भी शायद जॉन के साथ मिले हुए थे। वही है जो रात के समय में पैसेज के थ्रू अपने बेटी एमी को वार्डरोब के थ्रू विजिट कर रही थी, ये एंश्योर करने के लिए कि वो ठीक ठाक है। वेल, अगर आप मूवी की बात करें तो ये देखने लायक मूवी है, क्योंकि इसका सस्पेंस आपको अंत तक सीट पर बनाए रखता है, क्योंकि एंड तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये मूवी किसी भूत पर नहीं बल्कि एक साधारण सा पर उतना ही इंटरेस्टिंग सस्पेंस मूवी है, इसलिए मैं आपको वन टाइम वॉच के लिए जरूर रेकमेंड करूंगा। वहीं आपको ये मूवी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट में मेंशन करना ना भूले।
आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों।